नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, आप सबों ने लेवी दे दिया होगा और अब बारी है पीएलआई की, प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव, जो आपको मार्च के प्रॉफिटेबिलिटी आने के बाद बैंक द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा। सो एक एक्सपेक्टेड पीएलआई हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक को किन बैंकों को कितना मिलना है, हमने एक कैलकुलेशन किया है। और चूंकि ये लंबा वीडियो हो, सो मैंने दो पार्ट में, एक फर्स्ट 6 बैंकों का और सेकंड पार्ट में 6 बैंकों का। आपको पता है कि 11th bipartite में ये पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई थी और उसके हिसाब से ये था कि YOY ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर लेस देन 5% है तो नंबर ऑफ डेज फॉर विच सैलरी बेसिक प्लस DA शैल बी पेड निल। अगर 5% to 10% के बीच में है तो 5 डेज का, और अगर मोर देन 10% to 15% के बीच में है तो 10 डेज सैलरी, और अगर मोर देन 15% है तो 15 डेज की सैलरी आपको मिलेगी। और उसमें कंडीशन क्या है कि थर्ड और फोर्थ जो स्लैब है सेल आर पेएबल ओनली इफ द बैंक हैज नेट प्रॉफिट। इफ बैंक हैज ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 5% एंड मोर बट देर इज नो नेट प्रॉफिट देन मिनिमम सेकेंड स्लैब ऑफ 5 डेज विल बी पेएबल। अगर थर्ड और फोर्थ में नेट प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको 5 डेज का नीचे जो सेकेंड स्लैब है उसके हिसाब से 5 डेज की सैलरी पे की जाएगी। अगर अब हम आपको SBI की बात करें तो SBI का जो प्रॉफिट लॉस है, जो PLI है एज ऑफ 31st March 2024 यानी कि 23-24 के लिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज द एंड ऑफ 23 यानी कि 31st March 2023 को जो था वो 83,712 करोड़ था, और जो 9 मंथ फ्रॉम 1st April 23 से लेके दिसंबर 23 तक जो नए 9 महीने का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, दैट वाज 65,050 करोड़। अब हमारे पास केवल एक क्वार्टर का मार्जिन है, यानी कि मार्च 24 का प्रॉफिटेबिलिटी आना है और अभी ऑडिट चल रहा है और जल्दी उसका भी फाइनलाइज हो जाएगा। अगर हमको पीएलआई 15 डेज का लेना है तो फोर्थ क्वार्टर का प्रॉफिट 31,218 करोड़, 10 डेज का लेना है तो 27,033 करोड़, और 5 डेज का लेना है तो 22,847 करोड़। इतने प्रॉफिट अगर हमारा फोर्थ क्वार्टर में होगा तो अकॉर्डिंगली हमको पीएलआई कितना मिलेगा। तो जो पास्ट परफॉर्मेंस है लास्ट क्वार्टर का, उसके अनुसार हमें ये लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट 22,847 करोड़ या उससे होगा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 डेज का पीएलआई मिलने की संभावना है। ये एक्सपेक्टेड फिगर है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आ सकता है। इसी तरह हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो एक्सपेक्टेड पीएलआई ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज द एंड ऑफ 23 यानी कि 31st March 2023 That was 26,863, और April 23 to December 23 9 month का cumulative profit that was 22,858 crores। और अगर 15 days का PLI की हम expect करें तो हमें last quarter में profit 8,034 crores का होना चाहिए। अगर 10 डेज का है तो 6,631 करोड़ का होना चाहिए, और अगर 5 डेज का हो तो इट विल बी 5,348 करोड़। जो लास्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट था उसके अनुसार वी एक्सपेक्ट कि इस क्वार्टर का लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट 6,631 से 8,000 के बीच में होने की संभावना है, यानी कि आपको एक्सपेक्टेड पीएलआई 10 डेज के मिलने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं केनरा बैंक की। केनरा बैंक का एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 23 27,716 करोड़,
नाइन मंथ का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट 22,024 करोड़, और पीएलआई जो एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं यानी कि लगभग 8,463 एंड अबव, यानी कि वी होप फॉर द एक्सपेक्टेड पीएलआई इज 10 डेज। नाउ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर एट द एंड ऑफ 23 दैट वाज 25,467 करोड़ एंड 9 मंथ क्यूमुलेटिव प्रॉफिट ऑफ द फ्रॉम 1st अप्रैल 23 टू दिसंबर 23 इट वाज 21,676 करोड़। एंड इफ द प्रॉफिट रेंज फ्रॉम द अबव नियर अबाउट 7,611 वी एक्सपेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट क्वार्टर नॉट लेस देन द 7,611 करोड़। सो वी एक्सपेक्ट द प्रॉफिट फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू पीएलआई 15 डेज एक्सपेक्टेड पीएलआई। नाउ पीएनबी एक्सपेक्टेड पीएलआई ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज एंड ऑफ 23 दैट वॉज द 22,932 करोड़ एंड 9 मंथ क्यूमुलेटिव प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर जून सेप्टेंबर एंड दिसंबर 23 दैट वॉज 18,514 करोड़। सो एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इट विल बी द एक्सपेक्टेड पीएलआई ऑफ द 10 डेज। पीएनबी में एक्सपेक्टेड जो हम सोच सकते हैं पीएलआई दैट इज 10 डेज। नाउ इंडियन बैंक एक्सपेक्टेड पीएलआई ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज द एंड ऑफ 23 दैट इज द 15,347 करोड़, 9 मंथ क्यूमुलेटिव प्रॉफिट 12,608, और अकॉर्डिंगली वी एक्सपेक्ट द फोर्थ क्वार्टर प्रॉफिट 4,273 एंड अबव बिलो द 5,041 करोड़ लुकिंग टू द पास्ट दिसंबर क्वार्टर प्रॉफिट। सो वी एक्सपेक्ट 10 डेज पीएलआई इन इंडियन बैंक। फ्रेंड्स, रेस्ट 6 बैंक का पीएलआई के बारे में एनालिसिस करके मैं आपको कल वीडियो पर देता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।